नमस्कार साथियों, जिला अध्यक्ष की हत्या, 11 हत्यारों को हुई उम्रकैद। जी हां साथियों, अभी की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। साथियों आपको देंगे पूरी जानकारी, बस आपसे एक निवेदन है, आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट और ताज़ा और बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हरियाणा में रोहतक के पूर्व सीएम के करीबी रहे अशोक काका के हत्यारों को कोर्ट ने आजीवन कारावास सजा सुनाई है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष वे हेफेड के पूर्व चेयरमैन अशोक काका की 22 अप्रैल 2016 को हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। आज सभी 11 दोषियों को उम्र कैद हो गई है। इनमें से 6 दोषियों ने मौके पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया, वहीं 5 साजिशकर्ता के तौर पर हत्या में शामिल किया गया है। इनमें से 2 नाबालिग भी शामिल है। हत्या के करीब 5.5 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। अशोक काका पक्ष के वकील सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि इस केस में महेश वर्मा और राजकुमार वर्मा मौके पर थे। गवाहों के बयानों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर 2 मौके के गवाह के अलावा मोबाइल लोकेशन की काम आई है। आज सजा सुनाई जाएगी। सजा 11 आरोपियों को उम्र कैद।